गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड सर्वोदय नमस्कार। पिछले क्लास में मैंने आपको पाइथन के बारे में पढ़ाया था, उसमें मैंने यूजिंग ऑफ आइडियल कैलकुलेटर लास्ट टॉपिक आपको बताया था। तो उसके आगे हम लोग चलेंगे आइडियल कैलकुलेटर के आगे। क्या आपका नेक्स्ट टॉपिक आपका आइडियल कैलकुलेटर के आगे? वेरिएबल इन पाइथन। क्या है आपका? वेरिएबल इन पाइथन। तो वेरिएबल आपका क्या काम करता है मेनली? तो आप पहले एग्जाम्पल समझिए, डोमेस्टिक एग्जाम्पल, घरेलू एग्जाम्पल लीजिए, उसे समझिए कि आपको घर में कोई खाना पकाया आपने, वो ज़्यादा मात्रा में पक गया, आपके फैमिली मेम्बर पाँच है, आपने सात आदमी खाना पका लिया, तो दो आदमी खाना एक्स्ट्रा मेरे पास है, तो इसको स्टोर करने के लिए एक जगह चाहिए ना। तो जैसे कंटेनर हो गया या आपका बॉयल हो गया, इसमें रख के आप फ्रिज में रख देते, स्टोर कर लेते, ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी। जैसे एग्जाम्पल है वाटर को स्टोर करने के लिए तो वाटर टैंक बनाते हैं, उसी तरह से पाइथन में वेरिएबल बनाया किसी के लिए, डाटा को स्टोर करके रखे, यानी कि उसके वैल्यू को स्टोर करके रखे बार बार। जैसे मैंने एग्जांपल लीजिए, ए इक्वल टू 9 है, आगे ए इक्वल टू 10 है, तो ये क्या करेगा, कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्स बनाएगा आपके प्रोग्राम को। उसके लिए क्या करेगा, एक और एक निश्चित वैल्यू होना चाहिए ना। जैसे वाटर टैंक है तो हम लोग बोलते हैं कि इस टैंक में 500 लीटर पानी हटेगा, उस टैंक में 1000 लीटर पानी हटेगा, तो एक निश्चित क्या है कि एक निश्चित उसका नाप है ना, मेजरमेंट है ना, कितना पानी इसमें अटेगा टैंक में। उसी तरह से ये कन्फ्यूजन ना हो पाइथन में, उसके लिए वहाँ पे क्या किया गया, वेरिएबल का यूज़ किया गया कि कोई भी डाटा का या न्यूमेरिक वैल्यू इसको हम लोग स्टोर करके रखें, यानी कि यूज करने से पहले इसको हम लोग प्री डिफाइंड करें, यानी कि हमको अगर ज़रूरत है ए इक्वल टू टेन की ज़रूरत है तो उसको हम पहले ही से उसको डिफाइन करके रखें कि ए इक्वल टू मेरा 10 स्टोर रहे पाइथन सिस्टम में, पाइथन के हेडर फाइल में स्टोर रहे कि जहाँ भी हम 10 की जरूरत पड़े तो हम 10 की जगह पर क्या कर लें, ए का यूज कर लें। जैसे क्या होगा, मेमोरी भी कम खाएगा मेरा, बार बार ए यूज करेंगे तो बार बार वो मेमोरी वेरिएबल डिफाइन होगा, बार बार हमको वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा तो बार बार वो मेमोरी लेगा ही। तो उसके लिए क्या किया हम लोग, प्री डिफाइन कर लेंगे, तो इसलिए वहाँ पर वर्ड आया वेरिएबल। क्या आया? वेरिएबल। तो वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग, कैसे पाइथन में वेरिएबल क्रिएट करेंगे? तो सबसे पहले पाइथन में वेरिएबल क्रिएट करने के लिए कुछ रूल्स है। तो पहला रूल्स है आपका बुक में दे रखा है, तो आप अपने बुक से भी पढ़ लीजिएगा और मेरे ध्यान से सुनिएगा क्या रूल्स है। पाइथन का वेरिएबल कभी भी पाइथन कीवर्ड से रिलेटेड नहीं होगा। क्या नहीं होगा? पाइथन कीवर्ड से। पाइथन कीवर्ड मतलब ये ना कि पाइथन तो होगा ही, साथ में जैसे हम लोग यूज करते हैं प्रिंट फंक्शन, इनपुट फंक्शन, टाइप फंक्शन, ये सब पाइथन कीवर्ड, यानी कि पहले से आपका डिफाइन है कि ये पाइथन में यूज होता है ये कैरेक्टर वगैरह, और स्ट्रिंग, फ्लोट, बूलियन, प्रिंट, इनपुट, टाइप, स्ट्रिंग, फ्लोट, बूलियन एसेट्रा, etc एसेट्रा, और बहुत सारे पाइथन कीवर्ड है जो पहले से ही डिफाइंड है। तो ये जितने ही पहले से डिफाइंड पाइथन कीवर्ड है वो आपका कभी वेरिएबल नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? वेरिएबल नहीं बनेगा। ये लाइन आपको हमेशा याद होना चाहिए कि पाइथन कीवर्ड मस्ट नॉट बी यूज्ड एंड डिक्लेयर्ड एज अ वेरिएबल। पाइथन में जो कीवर्ड पहले से डिफाइंड है उसको हम वेरिएबल नहीं बना सकते, ठीक है, ये वर्ड है पहला। दूसरा पॉइंट आपको हमेशा रिमेंबर रखना चाहिए रूल में कि कैसे वेरिएबल क्रिएट करना है, कि पाइथन में जो आप वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं उसका कोई लेंथ डिफाइंड नहीं है। क्या नहीं है? लेंथ डिफाइंड नहीं है, वो किसी भी लेंथ का हो सकता है, एक वर्ड का भी हो सकता है, एक से ज़्यादा वर्ड का भी हो सकता है। जैसे ये रन, रेन, तो ये भी हो सकता है, इसका कोई लेंथ डिफाइंड नहीं है, कैरेक्टर कितना भी बड़ा हो सकता है आपका पाइथन में वेरिएबल, और छोटा भी हो सकता है। दूसरा, वेरिएबल मस्ट बी स्टार्ट विद अल्फाबेट, न्यूमेरिक डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। किस किस से हम लोग वेरिएबल को स्टार्ट कर सकते हैं? लिखना अल्फाबेट कैरेक्टर से, ABCD से, डिजिट यानी कि 0 से 9 के बीच के वैल्यू से स्टार्ट कर सकते हैं, और तीसरा अंडरस्कोर। क्या आया वर्ड आपका? अंडरस्कोर किसको बोलते हैं? अंडरस्कोर इसको बोलते हैं, माइनस को नहीं। एक आपका ऐसे जगह कीबोर्ड में एक छोटा सा, तो ऊपर वाला आपका माइनस होता है, क्या होता है आपका माइनस, और नीचे वाला क्या होता है अंडरस्कोर। क्या आता है आपका वर्ड? अंडरस्कोर। वेरिएबल किस किस से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग? अंडरस्कोर से, अंडरस्कोर, अल्फाबेट,
अल्फाबेट को कैपिटल भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है, ठीक है। तीसरा न्यूमेरिक डिजिट, तो वेरिएबल जब भी लिखना स्टार्ट करेंगे तो या तो अंडरस्कोर आपका ऐसे रहता है बना हुआ अल्फाबेट से, यानी कि स्मॉल भी हो सकता है और कैपिटल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि पाइथन आपका केस सेंसिटिव है, आप स्मॉल भी लिखेगा तब भी वो वेरिएबल ले लेगा, कैपिटल से लिखेगा तब भी वो वेरिएबल ले लेगा। तीसरा न्यूमेरिक डिजिट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्या? न्यूमेरिक डिजिट से, ठीक है, 0 से 9 के बीच में। तो हम लोग वेरिएबल को लिखेंगे तो किससे स्टार्ट करेंगे, या तो अंडरस्कोर से, या आपका अल्फाबेट से, या न्यूमेरिक डिजिट से, और कोई भी कैरेक्टर से हम लोग वेरिएबल को डिफाइन स्टार्ट लिखना नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने वेरिएबल डिफाइन किया एट द रेट नेम, तो ये क्या हो जाएगा? इनवैलिड, इनवैलिड वेरिएबल। तो ये आपने वेरिएबल डिफाइन किया एट द रेट नेम, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये क्या हो जाएगा आपका? इनवैलिड वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये देखिए स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है ना, ये अंडरस्कोर है ना, अल्फाबेट है ना, न्यूमेरिक डिजिट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? इनवैलिड वेरिएबल। उसके बाद वेरिएबल के बीच में, वेरिएबल के अल्फाबेट के बीच में ना कोई स्पेस यूज होगा, ना फुल स्टॉप यूज होगा, ना कॉमा यूज होगा, कोई स्पेस अलाउड नहीं है। अगर स्पेस आपने अपने वेरिएबल लिखा नेम, क्या लिखा? नेम, स्पेस दे दिया आपने एक्स वाई जेड, ये भी इनवैलिड वेरिएबल। क्यों? नेम और एक्स वाई जेड के बीच में क्या हो गया? स्पेस, तो ना स्पेस है, ना डॉट है, ना फुल स्टॉप है, ना कॉमा, कोई भी चीज बीच में आप यूज, वेरिएबल के बीच में यूज आप नहीं कर सकते, बस 3 चीज का यूज कर सकते हैं और स्पेस तो अलाउड ही नहीं है। तीनों चीज का यूज कीजिए तब भी स्पेस अलाउड नहीं है आपका, ठीक है। कुछ एग्जांपल आपको दे रखे हैं वैलिड और इनवैलिड वेरिएबल के आपके बुक में, आप देख सकते हैं उससे आप समझ सकते हैं। जैसे क्लास, आपका क्या दिया रखा? क्लास, तो ये वैलिड है, क्या? ये वैलिड वेरिएबल। क्यों? आपका ये अल्फाबेट से स्टार्ट हुआ, ना बीच में स्पेस है, ना कुछ है, ये क्या है? वैलिड वेरिएबल, ठीक है। आप दूसरा देखिए एम्प्लॉय कोड, ये भी वैलिड है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें भी स्पेस नहीं है और अंडर स्कोर यूज किया गया है, कोई अंडर स्कोर अल्फाबेट और न्यूमेरिक, तो इसमें अल्फाबेट और अंडर स्कोर है, ये भी वैलिड है। उसके बाद आप देख सकते हैं एज, ये भी वैलिडेबल, सही है, वैलिड है। क्यों? क्योंकि अल्फाबेट और न्यूमेरिक डिजिट का यूज किया गया, ठीक है। आप देख सकते हैं आपका बुक में टेबल, उसमें देखिए ए डॉट बी डॉट सी, तो ये इनवैलिड क्यों बताया गया है? क्योंकि देखिए उसमें डॉट का यूज किया गया है, डॉट के बाद लिमिटेड जब लिखा गया है, इसमें स्पेस यूज किया है, स्पेस है ना, ए डॉट बी डॉट सी डॉट स्पेस लिमिटेड, तो वो स्पेस के कारण भी हो गया। पहला काम क्या होगा? स्पेस, क्योंकि वेरिएबल में कभी स्पेस अलाउड नहीं है, तो ये आपका वेरिएबल लिखने का रूल है और वेरिएबल डिफाइन करना होगा। वेरिएबल डिफाइन करने से पहले एक मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज हम लोग करते हैं, उसको बोलते हैं असाइनमेंट। क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं हम लोग? इक्वल टू, इक्वल टू का साइन को हम लोग क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इक्वल टू साइन को? असाइनमेंट ऑपरेटर। तो किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने के बाद उसका वैल्यू जब देना होगा, आपने लिख लिया क्लास, आपने वेरिएबल क्या डिफाइन किया, फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने वेरिएबल डिफाइन किया क्लास, क्लास का वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे? तो वैल्यू डिफाइन करने से पहले किसी भी वेरिएबल को आपने डिफाइन कर लिया, उसका वैल्यू देना चाह रहे हैं, तो उसके पहले आपको क्या यूज करना है? आपको असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या यूज करना है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका यूज करते हैं किसी वेरिएबल का वैल्यू डिफाइन करने से पहले। क्लास एट, तो एट आपने हमारी वैल्यू, उससे पहले हमने वेरिएबल डिफाइन किया क्लास, इससे पहले क्या यूज किया? वैल्यू देने से पहले वेरिएबल का असाइनमेंट ऑपरेटर, ये जरूरी है, ठीक है। तो आपको वेरिएबल डिफाइन करने आ गया, वेरिएबल का रूल पता हो गया कि वेरिएबल आपका जब भी स्टार्ट होगा तो अंडर स्कोर से स्टार्ट होगा, अल्फाबेट से स्टार्ट होगा और न्यूमेरिक वैल्यू से होगा। अल्फाबेट आपका कैपिटल हो या स्मॉल हो, क्योंकि केस सेंसिटिव पाइथन आपका। दूसरा स्पेस नॉट अलाउड वेरिएबल और पाइथन कीवर्ड नॉट अलाउड इन वेरिएबल जब क्रिएट करना होगा, ठीक है, इनवैलिड हो जाएगा। आपके बुक में कुछ एग्जांपल है आप दे सकते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर देखिए 9.4 जो आपका प्रोग्राम है उसमें लिखा गया है प्रिंट एक्स, क्या है? प्रिंट
एक्स, आपका बोला है आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने वेरिएबल डिफाइन किया, पर वेरिएबल का वैल्यू डिफाइन किया कि एक्स की वैल्यू क्या है, तभी तो वो प्रिंट करता एक्स की वैल्यू। किसी भी चीज़ को आउटपुट लेने से पहले हमें क्या करना चाहिए था एक्स इक्वल टू 10, तब क्या आपका आउटपुट मिला आंसर में 10। आपने एक्स को प्रिंट किया है, कंप्यूटर चेक करता कि एक्स की वैल्यू कितना है, 10, तो 10 आउटपुट आता, पर वहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया था वेरिएबल, इसलिए आउटपुट एरर आ गया। ठीक है, अब आइए वर्किंग स्क्रिप्ट इन मोड, वर्किंग इन स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड में कैसे वर्क करते हैं? जैसे इंटरेक्टिव मोड में वर्क करते हैं, वैसे ही स्क्रिप्ट मोड में ही हम लोग वर्क करते हैं। स्क्रिप्ट मोड में तो इंटरेक्टिव मोड में सिंगल छोटे छोटे प्रोग्राम, सिंगल लाइन प्रोग्राम लिखते थे, स्क्रिप्ट मोड में बड़े बड़े प्रोग्राम लिखेंगे। तो सबसे पहले पाइथन ओपन करना है, तो पाइथन कैसे ओपन करेंगे हम लोग? स्टार्ट बटन पर जाएंगे, आइडियल पाइथन 3.7.3 पे क्लिक करेंगे और पाइथन का आपका स्क्रीन ओपन हो जाएगा। उसके बाद कहाँ पे जाना है हमको? फाइल में। फाइल में जाने के बाद सेव पे जाना है और हम अपने नए पेज को सेव कर लेना है, और सेव करने के बाद हम उसमें प्रोग्राम टाइप करेंगे। तो देखिए स्क्रिप्ट मोड में हम लोग बड़े बड़े प्रोग्राम यूज करते हैं, तो उसमें कुछ कंट्रोल स्ट्रक्चर भी होंगे। लूप होगा, फॉर लूप, व्हाइल लूप, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ नॉट स्टेटमेंट, तो ये सब हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर है। क्या है? कंट्रोल स्ट्रक्चर है। सो कंट्रोल स्ट्रक्चर आपके बुक में नहीं इस चैप्टर में, पर आगे होगा। सेकेंड चैप्टर जब पाइथन का चलेगा उसमें आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर ही पढ़ना होगा, तो उसमें हम ज़्यादा जाएंगे नहीं, बस छोटे से ब्रीफ लेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर का। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर जब स्क्रिप्ट मोड प्रोग्राम लिखेंगे तो बड़े बड़े प्रोग्राम होंगे, तो उसमें लूप भी चलेगा, स्टेटमेंट भी चलेगा, तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल स्ट्रक्चर। उसके लिए हमारे पास क्या है? फॉर और व्हाइल, आइटरेटिव, आपने नाम सुना होगा, तो ये सब हमारे कंट्रोल स्ट्रक्चर के आते हैं। फॉर और व्हाइल लूप है, उसके अंदर आइटरेटिव स्टेटमेंट, इफ, इफ एल्स, इफ नॉट, तो ये सब आपको आगे पढ़ना है अगले चैप्टर में। हम लोग यहीं पे इसको यहीं पे थोड़ा सा बता देते हैं, ओवर भी दे दिया आप लोग, आगे पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, अब आइए टोकन्स। टोकन से पहले पाइथन कॉम्प्लिकेशन प्रोसेस। क्या? पाइथन कॉम्प्लिकेशन प्रोसेस आपके रूप में क्या है? पाइथन कॉम्प्लिकेशन प्रोसेस। तो कॉम्प्लिकेशन क्या है? जो भी इनपुट आपने दिया उस पर जो प्रोसेस हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लिकेशन। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लिकेशन। तो उसके लिए हम लोग इंटरप्रेटर के बारे में आपको पढ़ा ही दिया। क्या पढ़ाया आपको? इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर का वर्ड यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से इनपुट मिला, अब इंटरप्रेटर क्या करेगा? इनपुट आपको मिल गया यहाँ पे इंटरप्रेटर में, अब इंटर क्या करेगा उसके अंदर? इंटरप्रेटर का क्या है? कंपाइलर है। क्या है? कंपाइलर। क्या है? नजर नहीं आ रहा साफ से, लोग लिख देते हैं कंपाइलर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कंपाइलर। कंपाइलर क्या है? 9th में पढ़ के आए होंगे आप लोग। कंपाइलर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा, यानी कि हाई से लो करता है और लो लेवल से फिर हाई लेवल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद वो किसमें कन्वर्ट करेगा कंपाइलर? बाइट कोड में। किसमें? बाइट कोड में। बाइट कोड से ये नहीं कि बहुत बड़ा चीज है, बाइट कोड क्या है आपका? बाइनरी कोड, 0101। एक बाइट में कितना होता है? 8 बीट, यानी कि उसको बाइट कोड में चेंज करेगा 0101 के फॉर्म में जो भी आपका मैसेज होगा। उसके बाद वो क्या करेगा? उसको मशीन को देगा, वर्चुअल मशीन, जो हार्डवेयर उसको रन कराएगा वो मशीन को देगा, मशीन उसको एक इंस्ट्रक्शन को पढ़ेगा और उसके बाद क्या करेगा? एग्जीक्यूट होगा। क्या होगा? एग्जीक्यूट। ये आपका वर्चुअल मशीन है, उसके बाद क्या होता है? मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। पहले क्या करेगा? इनपुट दिए उसको कंपाइलर तोड़ेगा वाइट कोड में, वाइट कोड को पढ़ेगा, इंस्ट्रक्शन को समझेगा कंप्यूटर क्या है, उसके बाद उसको क्या देगा? जो हार्डवेयर उसको रन करेगा वर्चुअल मशीन उसको देगा इंस्ट्रक्शन, अब वो क्या करेगा उसके बाद? एग्जीक्यूट करेगा। वो हमको विंडोज में नजर आ गया जब एग्जीक्यूट होता है एप्लीकेशन कि मेरा 50% हो गया या 20% हो गया, वो एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद वो एग्जीक्यूट करने के बाद फिर वो उसको वापस लाता है और फिर उसको क्या देता है? कंपाइलर को देता है। क्या करता है? कंपाइलर को देता है। कंपाइलर क्या करता है? हमसे आउटपुट डिस्प्ले करता है। इतना इंटरप्रेटर काम करता है। ये कॉम्प्लिकेशन प्रोसेस है। क्या है? कॉम्प्लिकेशन प्रोसेस। बाय डिफॉल्ट आपको पता है, जैसे हम लोग
हम लोग एक्सेल में वर्क करते तो बाय डिफॉल्ट अगर सेव नहीं करते तो कौन से एक्सटेंशन फाइल सेव होता है? एक्सेल एक्स पेंट में .png। उसी तरह पाइथन में किस एक्सटेंशन में फाइल सेव होता है? आप नाइन से पढ़ेंगे पाइथन का एक्सटेंशन है .py। क्या .py? क्या .capital py? .capital py में वो आपका फाइल को एक्सटेंशन में सेव करता है। किसमें सेव करता है? .py। तो कहीं भी फाइल के लास्ट में .py रहा है तो हम समझ जाएगा वो पाइथन का फाइल है। ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में टोकन्स में पढ़ाएंगे हम लोग। मैं फिर से बच्चों से अनुरोध करता हूँ कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।